भीनमाल में चाणक्य उच्च माध्यमिक विद्यालय में राष्ट्रीय विद्यार्थी गौरव महोत्सव के दूसरे दिन इको ब्रिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। चाणक्य विद्यापीठ के प्रबंध निदेशक सावल सिंह लोल ने बताया है कि पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं। यह ब्रिक्स पर्यावरण संरक्षण के रूप में भी काम में ले सकते हैं। बता दें कि इसमें 11वीं और 12वीं के 40 बच्चों ने भाग लिया है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी बच्चों को सहभागिता प्रमाण पत्र दिए गए हैं। ये सर, अभी हमने जैसे चाणक्य विद्यापीठ शुरू से माघ शुक्ला एकादशी से माघ पूर्णिमा के बीच में हम एक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। उस कार्यक्रम के अंदर जैसे चाणक्य के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक जो हुआ था, वहां से लेकर रैदास और माघ जयंती तक का जो कार्यक्रम, बीच का 5 दिन का जो कार्यक्रम है, इसके बीच में विद्यालय विभिन्न प्रकार की गतिविधियां समाज के लिए उपयोगी कार्यक्रम करती है। इस बार हमने इको ब्रिक्स का ये कार्यक्रम बीच में आज द्वादशी के दिन कर रहे हैं। ऐसी इको ईट जैसे पर्यावरण के लिए व्यवस्थित भी बन जाती है, ऐसा हमने एक कार्यक्रम किया है। अभी बच्चों ने 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों ने किया है।